दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें डेली न्यूज अपडेट और बेल आइकन दबाएं ताकि हर अपडेट मिले सबसे पहले आपको। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अजय और आप देख रहे हैं डेली न्यूज अपडेट। गुरुवार को कोरोना वायरस से निपटने के लिए भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रत्येक राज्य के मुख्यमंत्रियों से चर्चा की, जिनमें कई मुद्दों पर आवश्यक बातें की गई। इस दौरान मोदी जी ने इशारा किया कि 15 अप्रैल को लॉकडाउन समाप्त हो जाएगा, मगर कई पाबंदियां जारी रहेंगी। आपको बता दें, अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने पीएम से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के बाद ट्विटर पर कहा कि 15 अप्रैल को लॉकडाउन खत्म होगा, परंतु इसका मतलब यह नहीं है कि सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान न रखा जाए या आने जाने के लिए सभी स्वतंत्र हो जाएंगे। पीएम ने कहा कि कोरोना वायरस से लड़ने का एकमात्र तरीका लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग है। जानकारी के लिए बता दें, मुख्यमंत्रियों के साथ हुई इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान प्रधानमंत्री लॉकडाउन को लेकर काफी चिंतित रहे। हर राज्य के मुख्यमंत्रियों को उन्होंने इसका सख्ती से पालन करने की हिदायत दी। इसके साथ ही जरूरतमंद लोगों को आवश्यक सामान उपलब्ध कराने के बारे में भी कहे, जिससे उनको कोई तकलीफ ना हो। उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कहा कि इस संकट की घड़ी में केंद्र और राज्य सरकारों को बेहतरीन सामंजस्य की जरूरत है। केंद्र सरकार हर राज्य के साथ खड़ी है और जरूरी मदद भी उपलब्ध कराई जाएगी। दोस्तों, खबर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।